हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम लोग चलते हैं विजयगढ़ फोर्ट का ये सुनहरा नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए चलते हैं, दोस्तों के साथ आए हैं। चलिए यहाँ का ये नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। ये एक किले के अंदर 7 सागर है, मतलब 7 तालाब है यहाँ पे। ये देखिए राम सागर, यहाँ का पानी कभी नहीं सूखता है, 12 महीने यहाँ पे पानी रहता है। माना जाता है कि यहाँ से लोग माह की फागुन माह के समय जल लेकर विसर्जन करते हैं। देखिए हम लोग आ चुके हैं अभी, तो ये राम सागर के बारे में आप लोग को बताएं। चलिए आगे, और अभी एक और मीरा सागर है, वहाँ का भी यही सिचुएशन है। माना जाता है कि ये सब जो तालाब हैं, यहाँ का पानी कभी नहीं सूखता है, 12 महीने यहाँ पे पानी ही रहता है। एंड देखिए हम लोग चल रहे हैं आगे और दिखाते हैं आगे का नज़ारा। देखिए आज तो कुछ लोग यहाँ पे दिख भी रहे हैं, वरना ये एकदम सुनसान पड़ा रहता है। यहाँ पे अप्रैल के महीने में एक उर्फ का मेला लगता है, जिसमें अलग अलग धर्म के लोग आते हैं। इधर का ये नज़ारा, एक यहाँ पे तालाब दिख रहा है। चलिए वहाँ पे भी अभी चल के आप लोग को यहाँ का दृश्य दिखाएंगे। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं। देखिए 2 तालाब तो उधर दिखा चुका, तीसरा तालाब ये रहा। इसमें टोटल 7 तालाब है। देखते हैं हम लोग आप लोग को कितने तालाब का सैर करा सकते हैं। देखिए ये छोटा सा तालाब है। चलिए आगे चलते हैं। और ये एक मीरा, देखिए फ्रेंड्स हम लोग, ये एक मीरा सागर यहाँ पे तालाब है। यहाँ पे चलते हैं और यहाँ का नज़ारा आप लोग दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे और भी नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं आगे का। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये गणेश जी का मंदिर है। चलिए पास से आप लोगों को ये दिखाते हैं दृश्य। फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं, ये गणेश जी का मंदिर है, यहाँ पे हवन वगैरह होता है। चलिए पास से दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ का ये दृश्य। देखिए गणेश जी का ये मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। देखिए आप लोग, ये मंदिर बहुत ही पुराना है, यहाँ पे पूजा पाठ उतना होता नहीं है, इसलिए रख रखाव ठीक से हो नहीं पाया है। देखिए मंदिर के अंदर का ये नज़ारा, अभी भी यहाँ पे साफ़ सफाई बहुत अच्छी तरह से की जाती है गणेश जी का ये मंदिर। चलिए आप लोगों को आगे दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी एक कुटिया बनाया गया है, यहाँ पे लोग आते थे पहले, साधु महात्मा लोग यहाँ पे यज्ञ वगैरह करते थे। चलिए चलते हैं आगे और दिखाते हैं आगे का कुछ नज़ारा। देखिए यहाँ पे एक शिव जी की शिवलिंग को स्थापित किया गया है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ का ये सो फ्रेंड्स देखिए सामने चंद्रकांता महल हम लोग पहुँच चुके हैं, जो हम लोगों को देखना था और जो आप लोगों को दिखाना था इस वीडियो में, वो मेन यही है। हम लोग यही देखने इतना दूर से आए थे कि एक ज़माने में चंद्रकांता की शूटिंग जब हुई थी तो यह महल इतना खूबसूरत था, इतनी सुंदरता से बनाया गया था, और आज के समय में यह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। यहाँ की पूरी दीवारें, छतें पूरी तरीके से टूट चुकी हैं। दीवारों पर बना, पिलर वगैरह पे बना कुछ डिज़ाइन अभी भी बाकी है। देखिए फूलों की डिज़ाइन अभी भी बहुत ही शानदार लग रही है। दरवाज़ों पे बनी है डिज़ाइन और पिलर पे बने इस डिज़ाइन को अभी भी यह बहुत ही सुंदर लग रहा है। बट देखिए यह महल पूरी तरह से बंजर बन चुका है। माना जाता है कि एक ज़माने में यह महल बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब हुआ करता था। देखिए फ्रेंड्स हम लोग, ये चंद्रकांता की शूटिंग यहीं पे हुई थी। देखिए इस किले में आ चुके हैं अंदर। ये किला अब एकदम बंजर बन चुका है, बहुत सालों से यहाँ पे कोई देख रेख नहीं कर रहा है, कोई रख रखाव ना होने के कारण यहाँ की पूरी दीवारें छतें टूट चुकी हैं। देखिए यहाँ पर ये माना जाता है कि ये गुफा वगैरह, ये अलमारी वगैरह बनाए गए थे दिए जलाने के लिए, और लोग यहाँ पर नाम लिख लिख के फालतू वगैरह इसे क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। तो आप आएँ तो ऐसा यहाँ ना करें। देखिए यहाँ पर ये अंदर जाने का रास्ता, चलिए यहाँ से प्रवेश करते हैं और आप लोगों को यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से काटा वगैरह है, किसी भी तरह प्रवेश करते हैं और यहाँ का ये नज़ारा दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पे ये ताखे वगैरह बनाए गए थे, यहाँ पे दिया बाती वगैरह रखने के लिए ये पूरा बनाया गया था। देखिए आप लोग देख सकते हैं ये पूरा बन चुका है, यहाँ से पूरा गिर चुका है यहाँ का, इतने सालों से यहाँ पे कोई देख वगैरह देख नहीं कर रहा है। इसलिए चलिए यहाँ से बाहर निकलते हैं, बहुत ही डेंजरस प्लेस है यहाँ पे। ये आगे चलते हैं, आगे का नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं।
देखिए बहुत सालों से यहाँ पे कोई देख रेख न करने की वजह से किसी के यहाँ का हर एक दीवार टूट चुका है, पिलर वगैरह बाकी ये भी टूट जाएंगे। देखिए कितनी सुंदरता से ये सब डिजाइन को बनाया गया है। देखिए यहाँ की ये सब दिखाई वगैरह फ्रेंड्स, इधर की पूरी दीवारें टूट चुकी है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ के इस किले के निर्माण में पूरा पहाड़ी पत्थर का ही इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ की। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आगे हम लोग और देखते हैं यहाँ का ये नज़ारा। देखिए यहाँ पर ये सब कमरे बनाए गए थे राजा महाराजा को रहने के लिए, इतनी तरह से ये सब इतना बंजर हो चुका है कि फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं किला में अंदर और अंदर का नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए इधर से ये लोग किधर से घुसे हो भाई लोग इस गुफे में से, देखिए वो लोग वहाँ पे जाके वीडियो बना रहे हैं, वो लोग के पास कैसे चले ये तो घुसे। चलिए अंदर किसी तरह रेंगते गाते चलते हैं, यहाँ तो आर्मी की ट्रेनिंग चल रही है ऐसा लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ की हर एक दीवारें हर एक छतें टूट चुकी हैं, देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे खुदाई वगैरह की गई थी कि शायद खजाना मिल सके, बट कुछ नहीं मिला यहाँ पे। देखिए और यहाँ पे लोग कूड़ा भी फैला रहे हैं बहुत, देखिए बियर वगैरह की बोतल फेंकी गई है। चलिए देखते हैं और भी ये सब, इस देख सकते हैं इस महल का ये सब कमरा बनाया गया था इधर, हाँ गुप्त रास्ता। देखिए फ्रेंड्स ये हम लोग आ चुके हैं किले के एकदम बीचों बीच। देखिए फ्रेंड्स हम लोग किले के इस टाइम एकदम बीचों बीच है, ये सब राजा महाराजा का रहने का कक्ष हुआ करता था और सैनिक वहाँ पर, देखिए ऊपर उधर सैनिक लोग हमेशा तैनात रहते थे ताकि कोई भी कुछ हुआ हो सके तो उसको हम लोग पार कर सकें। देखिए इधर चलिए और भी चलते हैं और इधर आप सबको दिखाते हैं, बहुत ही डरावना जगह है बट बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे घूमना, किसी एडवेंचर से कम नहीं है। आप लोग का अगर मन हो तो यहाँ पर एक बार घूमने ज़रूर आए। देखिए हम लोग इस महल के छत पे आ चुके हैं, माना जाता है कि यहीं पे चंद्रकांता की शूटिंग हुई थी जो कि बहुत ही दूरदर्शन पर बहुत ही ज़्यादा चलने वाला कार्यक्रम था, धारावाहिक था। देखिए फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे छत पे आ चुके हैं, छत तो नहीं है बट दीवार बचा है इसी पे खड़े हैं, यही से आप लोग को यहाँ का नज़ारा दिखा रहे हैं ऊपर का। देखिए और ऊपर देखिए फ्रेंड्स बहुत ही डेंजरस जगह है, आप लोग खड़े हैं छत पे रहने थोड़ा डर भी लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स माना जाता है कि इस महल में चंद्रकांता की शूटिंग हुई थी जो कि दूरदर्शन पे चलने वाला सबसे लंबा कार्यक्रम धारावाहिक था, आप लोग भी बहुत लोग देखे होंगे, मैं तो बचपन में खूब इस धारावाहिक को देखता था। विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता और नौगढ़ के राजकुमार स्टोरी पे बनाई गई है ये कहानी। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ का कमरा वगैरह, चलिए आगे दिखाते हैं, आगे दिखाते हैं। देखिए इतना रोमांचक है, ये कोई भी स्टोरी से कम नहीं है, यहाँ पर होना कोई स्टोरी से कम नहीं है। वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे अलग अलग स्टोरी कर रहे हैं, रिटर्न हो चलो चलो उधर से रहते हैं। चलते हैं आप लोगों के वीडियो के लिए सब कुछ करना पड़ेगा, देखो भाई बच के आना भाई, देखो फ्लैट से पकड़े लोग बनवा रहे हैं, पहले के लोग कितना बड़ा तक नहीं हो जाता था तब ले लेते थे आराम से। कौन बहुत ही लोग
देखिए यहाँ पर ये सब कच्छ बनाया गया है, कितना छोटा छोटा, जाने में भी डर लग रहा है क्योंकि पूरा दीवार एकदम बंजर हो चुका है, चाहे जब ये गिर सकता है, इसलिए ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। ये देखिए छोटे छोटे कमरे यहाँ बनाए गए थे, ये सब निकास के लिए द्वार बनाया गया था। डिज़ाइन देखिए किस तरह से यहाँ का बनावट किस तरह से किया गया है दरवाजों का। चलिए चलते हैं आगे, इसके नीचे से चलना है, चलिए चलते हैं। आपको ये नज़ारा, अभी तो यहाँ पे कुछ लोग दिखते नहीं है, पहले यहाँ कुछ दिखते, अभी तो यहाँ पे पब्लिक आज दिख रही है क्योंकि आज 26 जनवरी है, इसलिए आज़ादी का दिन, ये लोग यहाँ घूमने फिरने आए हैं, वरना ये इतना सुनसान जगह है कि यहाँ पे कोई जल्दी आता नहीं है। चलिए चलते हैं आगे। ये बहुत ज़्यादा टूट चुका है यहाँ पर रिक्शे गिरने घूमने का। सो गाइस बहुत ही मज़ा आया घूम के ऊपर, देखिए एक एडवेंचरस टूर था ये मेरा और बहुत ही इन्जॉय किया मैंने। देखिए आप लोग आना तो ये सब रिक्स नहीं लेना, क्योंकि इस महल में ज़्यादातर लोग बस अंदर से ही घूम के चले जाते हैं। हम लोग महल के बीच में आए और पूरा ऊपर का नज़ारा आप लोग को दिखाएं। मेरा मन था कि थोड़ा सा मैं अच्छे से सबको ये नज़ारा दिखाऊं, इसलिए मैं आया और ऐसा किया, इधर घूमा वगैरह, अंदर दीवार वगैरह पे चढ़ा, और आप लोग ऐसा ना करें क्योंकि ये बहुत रिस्की है। गाइस देखिए इधर लोग स्नान वगैरह कर रहे हैं, चलिए आगे चलते हैं और आगे का भी नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर पूरी ज़मीन पर पत्थर वगैरह पड़ी हुई है, इसलिए बहुत संभल के चलना पड़ रहा है, वरना कहीं भी गिर सकते हैं हम लोग, इसलिए यहाँ पे आए तो सावधानी पूर्वक चले और नीचे देख के सब कुछ देखते हुए अच्छे से चले। देखिए बहुत ही शानदार दृश्य है ये, चलिए आगे दिखाते हैं और भी आगे का नज़ारा आप लोगों को।
तक टेढ़ा हो चुका है, गिरने के कदाप है, चाहे जब भी गिर सकता है। सैनिक लोग यहाँ हमला करके देखते थे दुश्मनों को और हमला करते थे। जब दुश्मन वार करते थे तो वो लोग इसका इस्तेमाल करते थे देखने के लिए, यहाँ से वो लोग देख कर यहाँ से निशाना लगाते थे और दुश्मनों को घायल करते थे। चलिए और आगे दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ का देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या नज़ारा दिख रहा है। ये देखिए बहुत ही शानदार दृश्य दिख रहा है। देखिए पूरी दीवारें गिर चुकी हैं इधर की, और वो भी गिरने वाला है चाहे जब गिर सकता है। और नीचे इतना ज़्यादा खाई है कि यहाँ से कोई गिरेगा तो बच नहीं सकता, इससे यहाँ आए तो ये सब जगह बहुत सावधानी से आप लोग घूमें फिरें। चलिए चलते हैं आगे दिखाते हैं और भी फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं हम लोग आगे और नज़ारा दिखाते हैं इधर का दीवार का। देखिए यहाँ के दीवार एकदम पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है पूरी तरह से। इस दीवार को देखिए, दीवार देखने में ही पूरा तिक्खा दीवार लग रहा है पूरी तरीके से। इस दीवार को दीवार ये क्षतिग्रस्त हो चुका है अब, और यहाँ का कोई मरम्मत देख रेख कर भी नहीं रहा है कि कोई इसे बनवा सके। देखिए यहाँ पर ये जंगली पौधे। गाइस वीडियो बहुत बड़ी होने के कारण आगे का वीडियो थर्ड पार्ट में दिखाऊंगा, देखना भूलना मत वीडियो, क्योंकि बहुत ही अट्रैक्टिंग वीडियो है पूरी। थैंक यू।